फ्रेंड्स, मैंने आपको समझाने के लिए इसमें 27 चैन बुनी है। और देखिए मेरा क्रोशिया नंबर जो है वो है 10। अब देखिए हम इसकी जो फर्स्ट रो बुनेंगे, तो देखिए एक और दो, दो चैन स्किप करके थर्ड वाली चैन में हमने एक बल लेके देखिए इस तरह से एक बार बुनना है, फिर बल लेना है, फिर इन सबको एक बार बुनना है। देखिए सिंगल क्रोशिया से समझिए इस तरह। ये देखिए हर चैन में फ्रेंड्स आपने इसी तरह बुनना है। ये देखिए एक बल लीजिए, नेक्स्ट वाली चैन में इस तरह से बुनेंगे। ये देखिए यानी कि आपके तीन फंदे बन जाते हैं, तो तीनों को एक ही साथ बुन लीजिए, फिर बल लीजिए, फिर इस तरह से बुनिए। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम ये फर्स्ट रो बनाकर बताते हैं कि सेकंड रो में हमें क्या करना है। देखिए मैंने फर्स्ट रो कंप्लीट कर ली है। फ्रेंड्स आपने ये जो बुनना है, हम तो डिजाइन बता रहे हैं इसलिए हम छोटा ही बता रहे हैं, आपने इसमें 20 टाइम बुनना है, 24 टाइम। तो देखिए गिन लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 यानी 24 हो गए हैं। अब आपने क्या करना है, देखिए अब आपने दो चैन बुननी है, एक और दो, इसे पलटना है। यहाँ से सेकंड रो स्टार्ट हो गई है। अब देखिए क्या करना है, आपने किनारे पे आपने एक दो तीन चार, देखिए इस तरह से मैंने चार बुन लिए हैं। अब देखिए एक दो तीन चार पांच छः सात, सात चैन बुनेंगे। और देखिए नीचे से एक चैन, दो तीन चार, चार चैन स्किप करके चौथी वाली, तीन चैन स्किप करके चौथी वाली चैन में आपने इस तरह से बुनना है। फिर देखिए एक दो तीन चार पाँच छ सात, दो तीन चार पाँच छ सात, सात चैन बुनेंगे और तीन चैन स्किप करेंगे। एक दो तीन स्किप कर दिया, फोर में हमने इस तरह से सिंगल क्रोशिया से बुनना है। फिर एक दो तीन चार पाँच छ सात, सात बुनने के बाद फिर से आपने तीन चैन स्किप करनी है, एक दो तीन, और चौथे में बुनना है। फिर आपने देखिए एक बल लेना है और एक किनारे के फोर टाइम बुनना है, एक बल, फिर ये देखिए तीन फंदे हो गए, इन तीनों को एक साथ बुनिए, फिर बल लीजिए, फिर देखिए इन तीनों को एक साथ बुनिए, फिर बल लीजिए, फिर इन तीनों को एक साथ बुनिए। तो देखिए फर्स्ट सेकंड रो इस तरह से तैयार हो गई है। देखिए ये फोर टाइम है, ये फोर टाइम है, और बीच में सात सात चैन हमने बुनी है और सिंगल क्रोशिया से जोड़ा है इन्हें। तो फर्स्ट रो कम्प्लीट हो गई, सेकेंड रो कम्प्लीट हो गई है, अब थर्ड रो बुनेंगे, रो बनाएंगे। तो देखिए सीधी तरफ से ही हम इसको इस तरह से देखिए ज्वाइंट करेंगे अपने व्हाइट कलर का ऊन, और देखिए एक और दो चैन बुनेंगे और इस तरह से बल लेंगे, और देखिए इसी में बुनेंगे पहले एक बार, फिर देखिए एक फंदा और एक बल ले लिया। तो ये आपने फोर टाइम बुनना है, देखिए फोर टाइम बुन लिया मैंने, एक दो तीन चार हो गए। अब देखिए एक दो तीन चार पाँच छ सात, सात चैन बुनेंगे। और देखिए जो तीन थे ना फ्रेंड्स, एक चैन स्किप करके सेकंड में इस तरह से देखिए, फिर एक दो तीन चार पाँच छ सात, सात चैन बुनेंगे। और देखिए इसके बीच में तीन चैन का गैप डाला था ना हमने, देखिए एक दो तीन, तो आपने एक स्किप करके सेकंड में, सेकंड में आपने इस तरह से बुनना है, एक दो तीन चार पाँच छ सात, फिर आपने देखिए सेकंड में इस तरह से। फ्रेंड्स ये हमारी फोर रो है, फर्स्ट सेकंड नहीं, थर्ड रो है ये हमारी, एक दो तीन चार पाँच छ सात, और ये देखिए फर्स्ट छोड़ के सेकंड में यहाँ, फिर एक दो तीन चार पाँच छ सात, फिर आपने देखिए यहाँ
इस तरह से फोर टाइम बुनना है। एक, दो, तीन, चार, ठीक है। अब आप इसे इस तरह छोड़ दीजिए, देखिए इस तरह से। अब हम जो बुनेंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड कंप्लीट होकर फोर रो बुनेंगे, तो फ्रेंड्स फोर रो जो बनेंगे हम इससे बुनेंगे अपने ग्रीन कलर से। तब आपने इसके अंदर इसे ले लीजिए इस तरह और इसे खींच दीजिए यहाँ से। फिर देखिए एक और दो, इसे पलट लेंगे। पलटने के बाद ये देखिए एक, दो, तीन, चार, इस तरह से फर्स्ट सेकंड थर्ड रो कंप्लीट कर लिया। फोर रो बुनेंगे, साइड में हमने फोर टाइम बुन लिया है। अब देखिए एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, सात चैन बुनेंगे और इस ग्रीन वाले में इस तरह से सिंगल क्रोशे से बुनेंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, सात चैन और सिंगल क्रोशे से जॉइंट करेंगे। फिर एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात सिंगल क्रोशे से जॉइंट करेंगे। फिर एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात यहाँ जॉइंट करेंगे। फिर इसके बाद देखिए आपने यहाँ, देखिए यहाँ एक, दो, तीन, चार, इस तरह से देखिए इस तरह से बनाया हमने। अब हमने फिर से व्हाइट कलर का ऊन लेना है। इस तरह से फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर रो कंप्लीट हो गई है। अब फिफ्थ रो बुनेंगे, एक चैन बुनेंगे, इसे पलट लेंगे और साइड में पहले एक पल लेंगे, फोर टाइम बुनेंगे साइडों में। एक, दो, तीन, चार, चार बुन ले साइडों में। अब क्या करेंगे देखिए, एक, दो, तीन, चार, चार चैन बुनेंगे और ये देखिए यहाँ वाइट पे सिंगल क्रोशे से बुनेंगे। फिर एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, फिर देखिए यहाँ वाइट पे सिंगल क्रोशे से बुनेंगे। फिर एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, फिर देखिए यहाँ यहाँ बुनेंगे। फिर एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात यहाँ बुनेंगे। तो देखिए एक, दो, तीन बन गए। अब देखिए एक, दो, तीन, चार, चार के बाद देखिए यहाँ बुनेंगे। इस तरह से देखिए हमने पहले फोर चैन बुनी, फिर सात चैन, सात चैन, सात चैन। अब देखिए फोर चैन बुनने के बाद आपने एक बल लेना है और फिर से किनारे पे आपने फोर टाइम बुनना है। एक, एक बल लेंगे, दो, तीन, चार, इस तरह से देखिए किनारे पे चार आ गए। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर फिफ्थ फाइव रो कंप्लीट हो गई हैं। अब फ्रेंड्स हमने फिर से ग्रीन से बुनना है। सिक्स रो हम ग्रीन से बुनेंगे, तो देखिए पलट लेंगे, फिर एक बल लेंगे और फोर टाइम किनारे पे बुनेंगे। एक, दो, तीन, चार, फिर देखिए एक, दो, तीन, तीन, चार, पाँच, छः, सात,
इसके पत्ते की स्क्रीन में बुनेंगे सिंगल क्रोशिया से। फिर सात चैन बुनेंगे, सात चैन इसमें बुनेंगे। फिर एक दो तीन चार पाँच छः सात इसमें बुनेंगे। फिर एक दो तीन चार पाँच छः सात इसमें बुनेंगे। एक दो तीन चार पाँच छः सात, फिर देखिए यहाँ फोर टाइम बुनेंगे। दो तीन चार, फिर इसे छोड़ देंगे इस तरह। फिर व्हाइट से बुनेंगे, देखिए व्हाइट से बुनेंगे, इसे पलट देंगे। फिर देखिए एक दो तीन चार, फिर एक दो तीन चार, चार चैन बुनेंगे। और चार चैन बुनने के बाद देखिए यहाँ यहाँ से सिंगल से बुनेंगे। फिर एक दो तीन चार पाँच छः सात, फिर देखिए जो वाइट है इस पे बुनेंगे। फिर एक दो तीन चार पाँच छः सात, फिर देखिए इस वाइट पे बुनेंगे जिसके अंदर है यहाँ। फिर एक दो तीन चार पाँच छः सात, फिर देखिए यहाँ बुनेंगे। फिर से चार चैन बुननी है, एक दो तीन चार, एक बल लेंगे और यहाँ बुनेंगे फोर टाइम किनारे पे। एक दो तीन, तीन के बाद ये चार, इस तरह से। बस फ्रेंड्स देखिए, एक रो आपने व्हाइट से बुननी है और एक रो आपने ग्रीन से बुननी है। सिर्फ आपने इन टू रो को ही रिपीट करना है और आपका बहुत प्यारा सा, ये बहुत प्यारा सा डिजाइन तैयार हो जाएगा। देखिए इसमें टू रो रिपीट करना है। और अगर फ्रेंड्स आपको ये हमारा क्रोशिया वर्क अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।